नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूं डॉक्टर मोनिका मंदानी, चारों का रीडर स्पिरिचुअल हीलर। बात करेंगे आने वाला सप्ताह कैसे रहेगा। 16 से 22 सितंबर, यस, पप्पा की विसर्जन का दिन होगा, 10th डे, तो 17th को है। और देखते हैं आने वाले तो क्या क्या बदलाव है ग्रहों का। ग्रहों में सूर्य गोचर करेंगे 16 सितंबर को कन्या राशि में, और शुक्रदेव मौजूद है तो शुक्रदित्य योग बनेगा। तो इनके राशियों के 12 के 12 राशियों के लिए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सूर्य का जो गोचर होगा, सबसे पहले मेष का देखते हैं। मेष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर में आपके लिए कुछ नया, कुछ चेंजेस आएंगे करियर में। आपकी मेहनत, हार्डवर्क आपको रंग लेकर आएगी। बिजनेस में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कुछ जो एक्सपेक्टेशंस आपने किए थे अपने काम के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। परिवार के साथ आपका सहयोग रहेगा, अच्छा समय रहेगा परिवार के साथ। आपके हेल्थ में काफी सुधार आएगा। सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए, क्योंकि आपके हेल्थ अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपको काफी काफी राहत मिलेगी। आपको एक कहां से भी अननोन सोर्सेज से पैसे आ सकते हैं, अचानक से धन का एकदम लाभ होगा। आप पे कुछ भी रिश्तों में एक निखार रहेगी, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। देखते हैं वृषभ राशि के लिए समय कैसे रहेगा। वृषभ राशि के लिए है समय, बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आएगी आपके लिए। समय आपको फेवर कर रहा है आपके लिए। लव लाइफ, जो सिंगल है उनके लव लाइफ है, लव लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, और उनके लिए रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने की सोचेंगे। आपके लिए थोड़ा अपने बुद्धि से आप अपने काम को बढ़ाएंगे, अपने काम को आगे लेके जाएंगे। बिजनेस में आपके लिए तरक्की है, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत ही बहुत सक्सेस है आपके लिए, और बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप में आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, मैरिड कपल्स की खास करके एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मिथुन राशि के लिए समय कैसे रहेगा, तो आपके लिए है फेवरेबल है। आपको न्यू कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नई चीजों का आपका डेवलपमेंट होगा। आपके करियर में आपको अब्रॉड जाने के, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पोटेंशियली आपके लिए अच्छा वीक है, सक्सेस ही सक्सेस है। बिजनेस में भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपको जो अपने पे डाउट हो रहा था ना, वो डाउट हट जाएगा, और आपके कॉन्फिडेंस से आप बिजनेस को आगे लेके जाओगे। पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी, मैरिड पार्टनर हैप्पीनेस रहेगा, खुशियां रहेगी आपके लिए। समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि आपके लिए समय क्या कह रहा है, आपके लिए कर रहा है कि आपको ट्रैवल का काम मिलेगा, और ट्रैवल में आपको हो सकता है काम के लिए आप ट्रैवल करते रहेंगे, हो देश विदेश की भी आपको यात्रा लग सकती है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कोई नया असाइनमेंट मिलेंगे, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। आप जो समय जो इंतजार कर रहे थे ना, उस समय का वो समय आएगा आपके। वेल्थ, आप धन को इकट्ठा करने में आप सक्सेस रहेंगे, आपके घर में खुशियां आएगी और खुश रहोगे, हेल्थ में सुधार रहेगा। लियो सिंह राशि आपके लिए समय कैसा है, आपको लगेगा कि आपका जो ग्राफ है ना, जो थोड़ा स्लो चल रहा था, सडनली ऊपर जाएगा। आपको एक राइज दिखेगा अपने करियर में, और यस, आपके लिए बहुत अच्छा समय, करियर में एक अच्छा ग्रोथ होगा। कलीग्स का आपको सहयोग मिलेगा, प्रॉफिटेबल टाइम रहेगा, समय बहुत अच्छा है आपके लिए। मनी आपका जो खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण आ जाएगा आपके, आपके लिए एक दूसरे का रिलेशनशिप में पार्टनर को एक दूसरे को समय देंगे, जो काफी टाइम तक आप दे नहीं सके, अब आप समय दे पाएंगे। कन्या राशि आपके लिए समय कैसे, आपको हो सकता है कि आपको कोई नई जगह पे आप चेंज हो सकता है, आपके लिए कोई चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ट्रैवल करने मिलेगा आपको, कोई अननोन प्लेस में जा सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा बिजनेस में अगर कॉम्पिटिशन आएगा तो आप उसे बड़े अच्छे से निभाएंगे, और आप उसमें अपने आप को सक्सेस लेके आएंगे। आपको थोड़ा सा पैसे का थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, उस पर ध्यान देना है आपको। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपका समय ऊपर नीचे थोड़ा चलता रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी अच्छी रहेगी, हेल्थ का ध्यान, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। तुला राशि आपके लिए समय कैसे है, आपके लिए है कि आपको ग्राफ आपका ऊपर भी रहेगा, थोड़ा सा नीचे, ऐसा ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि आपको मानसिक तनाव के कारण आपको जॉब में, करियर में अपने फोकस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आप कहां से भी अपना रास्ता निकाल देंगे। आपके लिए बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा मैनेज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा उतार चढ़ाव चलेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। वृश्चिक राशि आपके लिए समय कैसे रहेगा, आपको काम के लिए ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बिजनेस में आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी जो बहुत अच्छी रहेगी, नए नए आपके योग बनेंगे काम के, पर्सनल लेवल में पार्टनरशिप में बहुत अच्छा समय है। हस्बैंड के साथ आपके, मैरिड पार्टनर हस्बैंड वाइफ के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। हेल्थ में थोड़ा सुधार होगा। धनु राशि आपके लिए समय क्या कर रहा है, आपके लिए है कि यस, आपको जॉब में कुछ प्रॉमिस किया जाएगा और वो प्रॉमिसेस पूरे भी होंगे, और आपको इंसेंटिव में हो सकता है, इंक्रीमेंट आ सकता है, कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है। बिजनेस में भी आप अपने सक्सेसफुल रहेंगे कॉम्पिटिटर के सामने, आपको धन का लाभ होगा हर तरफ से। रिलेशनशिप में आपको किसी को अप्रोच करेंगे आप, और हो सकता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपना काम भी करवा लेंगे, मतलब आप आगे बोल भी देंगे कि कमिटमेंट का, तो ये भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। मैरिड पार्टनर्स के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा बॉसेस का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, काम पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा बॉसेस को। बिजनेस में भी आपको अपनी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी,
150% देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय आप ले लेंगे एंड ऑफ द वीक तक आप समय आगे अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी उतार चढ़ाव रहेगा तो उस रिलेशनशिप पे आपको ध्यान देना है, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इम्यूनिटी लो रहेगी। कुंभ राशि आपके लिए समय क्या कह रहा है, आपके लिए थोड़ा सा लक का आपको सपोर्ट नहीं करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपकी जो हार्ड वर्क है मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर। भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा वेट करना है। करियर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी के साथ ऊंच नीच नहीं हो जाए बाद में। आपके पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करते हैं तो पार्टनर्स के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद ना हो जाए, उस पर ध्यान देना है। रिलेशनशिप में भी आपके लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना है। हेल्थ आपकी थोड़ी वीक रहेगी। मीन राशि इनके लिए आपके लिए है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप अपने जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप उसे ओवरकम कर लेंगे, आप अपना नाम बनाएंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि आप कुछ कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल टाइम है, प्रॉफिटेबल है। रिश्ते में भी थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो एक्सप्रेस करने का समय है कि एक्सप्रेस कीजिए। हेल्थ में थोड़ा सा हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी, आपकी हेल्थ का ध्यान देना है। ये था 12 राशियों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।